हाल में सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के नाम पर वोट मांगने को गलत ठहराया, लेकिन कासगंज से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हसरत उल्लाह खुलेआम धर्म और संप्रदाय के नाम पर वोट मांगते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस ने पहली नजर में उनको दोषी मानते हुए मामला दर्ज कर लिया है। हसरत उल्लाह इसको राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। कासगंज जिले की कासगंज विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार में जुटे हसरत उल्लाह शेरवानी इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है। वैसे साल 2007 में वो बीएसपी से विधायक चुने गए थे और अपने दौर में उन्होंने अपने समुदाय को जो खास सहूलियतें दी थी उसका सुनिए वो किस अंदाज में जिक्र कर रहे हैं। पीछे भी आपने 5 साल देखे थे, किसी मुसलमान ने जो है थाने का गेट नहीं देखा था, किसी मुसलमान को थाने चौकी का गेट नहीं मैंने देखने दिया था। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी कि मोटरसाइकिल रोक ली तो उसको थाने तक पहुंचा दे या सीज कर दे। क्या नाम है मेरा? उमर नाम है। क्या नाम है मेरा? अब्दुल्ला नाम है। अच्छा जा निकल जा। उसे पता था कि अभी विधायक का फोन आ जाएगा और मुझ पर डांट पड़ गई। पिछले चुनाव में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े हसरत उल्लाह शेरवानी को हार का मुंह देखना पड़ा था और उनके मुताबिक उनके हटते ही कासगंज के मुसलमानों के दुर्दिन आ गए थे। वो ताकत आपने देखी थी पिछली बार, वो आपकी ताकत थी, आपके वोट की ताकत थी और उसके बाद वो भी 5 साल देख लिया आपने, जो लोगों के घरों में सीढ़ियां लगा लगा करके पुलिस अंदर घुसी है और पुलिस उठा उठा करके तुम्हें लेकर के जेलों में भेजा है। हैरानी की बात यह है कि हसरत जिस दौर में मुसलमानों पर तथा कथित अत्याचार की बात कर रहे हैं उस समय सूबे में अखिलेश यादव की सरकार थी और इस बार वो खुद उसी पार्टी के उम्मीदवार हैं। आदमी गलती तो एक बार कर जाता है और जब ठोकर लगती है तब उसको अकल आती है कि मैंने नीचे देख करके नहीं चला इसलिए मुझे ठोकर लगती है। तो वो गलती भाइयों दोबारा नहीं दोहरानी है आपने। अगर दोबारा दोहरा गए तो फिर ये सीट कभी मुसलमान के हाथ नहीं आएगी, न कोई पार्टी मुसलमान को टिकट देगी यहाँ से। धर्म और संप्रदाय के नाम पर वोट की अपील सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी है और विपक्षी इसे चुनावी मुद्दा बनाए हुए हैं। वैसे हसरत उल्लाह सियासी साजिश की बात कहकर मामले को नया मोड़ देने में जुटे हैं। क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी जगह हुई है कि जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर है। मैं बिजनेसमैन आदमी हूं और सबको साथ लेकर के चलता हूं। पुलिस का प्रशासन होगा, पुलिस का कानून का राज चलेगा और कुछ नहीं। कासगंज प्रशासन ने हसरत उल्लाह की इस दलील पर जरा भी यकीन नहीं किया।